जीवन में एक सितारा था, मानो वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गया वह कहाँ मिले, जो छूट गया वह कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मचाता है। बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। पता ही होगा आपको हरिवंश राय बच्चन ने क्या मर्म की बात कही थी, और ऐसा ही मर्म को आप अपने अंदर स्मरण कीजिए, तभी आप शांति से रह सकते हैं। जैसे मैं भूलने का प्रयास करता हूं, ऐसे आप भी भूलने का प्रयास कीजिए। जी, जीडी कॉलेज में हुए मतगणना धांधली के कुकृत को मैं भूलने के लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं डंडारी प्रखंड में हुए पंचायती राज के चुनाव में जो एक आडंबर हुआ, दिखावा हुआ, लेकिन उसका जो निर्णय था वो विधित था, उसे भूलने की बात कर रहा हूं। मैं उसी सितारों को टूटने की बात कर रहा हूं। अब क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, इसे हमें जानने का भी अधिकार नहीं है। जो हुआ उस घटना के निंदा पर दुनिया करा रहा था, और हमारे माननीय डीएम साहब ने सफाई पेश कर दी, एक सामान्य सी बात थी। लेकिन जब राज्य निर्वाचन आयोग ने उस पर संज्ञान लिया, तब पता चला कि नहीं, वास्तव में वहां कुछ कुकृत हुआ था। लेकिन अब क्या हो रहा है वो समझ लीजिए। अब हो रहा है कि अब पीठासीन पदाधिकारी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, स्पष्टीकरण उनसे मांगा जा रहा है, जबकि निर्वाचित पदाधिकारी पर आरोप संपूर्ण रूप से लगाए जा रहे हैं। एक एक जनता चीखकर कह रहा है कि वहां यदि कोई दोषी है तो निर्वाचित पदाधिकारी, जिसने चुनाव के दिन भी नहीं सुना कितने मतगणना मतदान पेटियां खराब हुई, कितने ईवीएम खराब हुए, कितने लोगों को अनियमितता की वजह से मतदान करने का अधिकार नहीं मिला, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। सुनेगा क्यों, आखिर हमारे माननीय, हमारे कर्ता धर्ता, हमारे मालिक हैं तो डीएम साहब ही। अब उन जनता की आवाज को सुन लीजिए जो चीख रहे हैं, लेकिन यदि कोई सुनता नहीं तो वहां जाकर उनकी बात को, जो कि आशंका है कि जो बात सुनने वाले हैं वो किसी और की सुन रहे हैं। अब समझना ये है, देखना ये है कि होता क्या है। पीठासीन पदाधिकारी को हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि एक शिक्षक, एक कर्मचारी जिसे जबरदस्ती का तगमा पहनाकर वहां बैठाया जाता है और एक पंपलेट दे दिया जाता है जिसमें सैकड़ों नियम कानून लिखे आते हैं, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, उनसे दस्तखत करवाना है, इनसे दस्तखत करवाना है, और इन सब प्रक्रिया में उनसे एक दस्तखत छूट गया तो वो ईवीएम रद्द हो जाता है, लेकिन यहां रद्द नहीं। अब उस खाका को तैयार करे, या वो ड्यूटी को निभाए, या गिनती करे, या हजारों की भीड़ को सुने, लेकिन इनमें जो काम करने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो निर्वाचित पदाधिकारी हैं जो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनका कान बंद करने के लिए कुछ मिल जाता है। और यहां भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि उनको जरूर कुछ ना कुछ मिला है, तब इतने की भीड़ की आवाज नहीं सुनी जा रही है। लोग पटना तक पहुंच गए और दिल्ली तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, और यहां पर सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आखिरी जो पैदाम है, जो कड़ी है, हमारे बीच की रीढ़ है, वो तो माननीय जिलाधिकारी महोदय होते हैं, लेकिन उनसे निष्पक्ष निर्णय नहीं मिल पाता है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को दर दर की ठोकने खानी पड़ती है। खाना तो पड़ेगा, नहीं तो आप भी सीखिए, जो बीत गई सो